हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज किस दिन देखने वाले हैं एक मेरे पास अभी केस आया है, कह सकते हैं कि एक कॉल आया था और उसमें यूफेम लगा है बच्चों को। ठीक है, तो उसके साथ क्या हुआ है मैं पूरी प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है यदि आप नकल लेके जाते हैं। तो पहले उसकी रिकॉर्डिंग को देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ उससे, इसमें लाइन पे है। ठीक है, मैं कॉल करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपकी नकल पकड़ी जाती है। और ये CCS यूनिवर्सिटी मेरठ का स्टूडेंट है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू है और आप नकल लेके जाते हैं तो 100% आपकी पकड़ी जाएगी और आप पे कह सकते हैं कि एक साल आपकी बर्बाद हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, वो सोल्यूशन यहाँ बताऊंगा। लास्ट से वीडियो बने रहिए। हेलो, अब बताओ। हेलो, हाँ जी बताओ। हाँ बताइए, क्या हुआ था जी? हाँ, अच्छा, नकल आज पेपर था, आज पेपर था आपका। अच्छा, हिस्ट्री का था। अच्छा, जब हिस्ट्री का था तो आपको क्या करना है, देखो ऐसा होता है ना, कई प्रो इसमें आपके जब नकल पकड़ी गई तो क्या क्या हुआ था उसमें, ये जो नकल किया था वो सेम टू सेम आपने उसी में से लिखा था जो आपकी नकल थी, बिल्कुल कॉपी में ही उतारा है। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब आपने नकल की है, तो आपको क्या करना होगा ना, ऐसा है नकल जब की है तो उसने दूसरी कॉपी दी थी आपको, एग्जामर ने साइन फाइन कराए, दूसरी कॉपी दी है मेरठ यूनिवर्सिटी। चलो ऐसा है ना, अब आपको बस कितने पेपर बकाया है अभी, सारे पेपर देना आप। ठीक है, जितने पेपर बकाया है वो सभी देना है आपको और आगे से नकल लेके मत जाना अभी। हाँ वो तो ठीक है, वो गलती से वो तो हो ही जाता है, गलती से है। चलो कोई नहीं, अब आपको ऐसा करना होगा, मतलब आपके पास एक नोटिस आएगा। ठीक है ना, जब नोटिस आएगा ना, समझ लेना, जब नोटिस आपके पास आएगा तो आपको क्या करना होगा, उस नोटिस को जब आपको सीधे कह सकते हैं फीडबैक देना होता है। ठीक है, फीडबैक देना होता है। जब फीडबैक देना होता है तो आपको कई तरीके, जैसे कि आप अपने सफाई में क्या बोलना चाहते हैं वो आपसे बोलता है। हाँ तो वो तो लिख भाई, उसकी कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, अब आपको जैसे ही फीडबैक आए तो आप यूनिवर्सिटी जाना है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी जी, हाँ मेरठ जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी। जैसे ही आपको कोई आपको एक पास लेटर आएगा, घर पे आ सकता है या फिर ईमेल आ सकता है, फोन पे मैसेज आ सकता है, आप उसको ध्यान रखना कब फोन आ रहा है, कब मैसेज आ रहा है या फिर कब डाकिया द्वारा आपके पास में। ये अभी आ जाएगा हाल ही में, पेपर के बाद लगभग 15-20 दिन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी पहुंच जाना है और फीडबैक आपको देना होगा जो भी देना है, और बाकी टीचरों से मिल लेना वहाँ। ठीक है, उनसे बात कर लेना क्या है, कैसा है, क्या इशू आ रहा है, तो वो बता देंगे कि आपको हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिलहाल यूनिवर्सिटी जाना होगा तभी आपका काम होगा, वरना एक साल बर्बाद हो जाएगा। हाँ हाँ वही वही, सब कुछ हो सकता, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी, एग्जामर कुछ भी कर सकता है। हाँ हाँ वही तो है, तो आपको ये है कि आप यूनिवर्सिटी जाइए, उनसे अपील करिए, कोई टीचर से बात कर लेना वहाँ, वो बता देंगे कि कैसा कैसा करना, हो जाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिलहाल हो जाएगा, सब बच्चे जब वहाँ पहुँचते हैं रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ सब कुछ हो जाता है जी, हो जाएगा ना, कह रहा हूँ हो जाएगा। यूनिवर्सिटी नहीं गए तो बेकार है, पूरा पेपर फेल, मतलब फेल का आएगा, यूफेम लिख के आएगा आप। अगली बार में जब अप्लाई होंगे ना यूनिवर्सिटी फॉर्म, एक्स फॉर्म जिसे कहते हैं, तब आपको डालना होगा, यही लगभग फरवरी में, अगले साल को फरवरी में। आपको पता चल जाएगा ना, घर पे आएगा लेटर है जी, घर आएगा लेटर आपके। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी जाना सीधा और काम हो जाएगा तुम्हारा वहीं जाके। ठीक है, ओके,
तो गाइज इस तरीके से नकल पकड़ी जाती है, आप देख रहे हैं। और जब भी आपकी नकल पकड़ी जाए तो उसका सिंपल तरीका होता है बचने का, यदि रिक्वेस्ट कर लो वहाँ जो एग्जामर ने जिसने पकड़ी है आपको, वहाँ बच रहे हो तो बच रहे हो, यदि नहीं बच रहे हो उसने दूसरी कॉपी आपको बी कॉपी दे दी और साइन वगैरह करा लिए, तो आपको सिंपल तरीका है कि एक आपका लाइटर आएगा जो आपके घर पे आएगा, जो भी आपने वहाँ गाली गलौज के बारे में सब कुछ लिखा होगा, जो भी आपने बदतमीजी की है टीचर के साथ में वो सब कुछ उसमें लिखा होता है, ठीक है, कि आपने किसी टीचर के साथ में, क्लास टीचर के साथ में बदतमीजी की और इसके इस वजह से आपको वहाँ फीडबैक देना होता है। फिर आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं, तो लगभग 3 से 5 दिन मांगता है कि 5 दिन के अंदर फीडबैक दीजिए लेटर आने के बाद में। तो उसमें क्या करना होगा आपको, आप यूनिवर्सिटी जाइए, फीडबैक आप जो भी है लिख लेना, एक एप्लीकेशन लिखनी होती है कि सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अपनी सफाई में जो भी आप लिखना चाहें वो कर सकते हैं, कि दूसरे बच्चे ने मुझे कॉपी भेज मतलब पर्ची फेंक दी थी तो मैंने उठा के देखा पता नहीं क्या है, तो इसलिए तब तक एग्जामर आ गया, ऐसे कुछ लिखना होता है जो आपको दिल करे वो लिख देना। लेकिन मेरे हिसाब से आप क्या करिएगा, तुरंत आप यूनिवर्सिटी जाइए और यूनिवर्सिटी से किसी भी टीचर से मिलकर जो भी है बात करके उसको सुलझा देना भाई, तो ठीक रहेगा, 1 साल बर्बाद नहीं होगा, वरना आप कुछ भी हो सकता है। चल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।